सो अभी हम लोग जो है डॉल्फिन नोज जा रहे हैं। ऊटी इज बेसिकली ऑल अबाउट लेक्स एंड व्यू पॉइंट्स। सो दैट्स द डॉल्फिन नोज। चलो घर के बच्चों को भूख लग रही थी सो वी हैव कम टू दिस फूड ऑन ट्रक रेस्टोरेंट। सो सारा कुछ हो गया, अभी हम सीधा जो है कुनूर रेलवे स्टेशन जाने वाले हैं और वहां से टॉय ट्रेन चढ़ेंगे, होपफुली मिल जाए हम लोग को। एंड उसके बाद फाइनली वी गॉट द ट्रेन, फॉर्चुनेट अबाउट इट बिकॉज वी आर नॉट होपिंग कि टिकट्स मिलेगी। हमारे लेने के बाद ही पीछे से टिकट नहीं थी, खत्म हो गई थी। सो लास्ट 4 टिकट्स वर अस। जब आपको जाना है, मतलब अगर आप काउंटर पे आके रिजर्वेशन करते हो तो आपको जितने बजे भी जाना है उससे एक घंटे पहले आके ही आपको टिकट मिल सकती है, उससे पहले वो लोग नहीं देंगे। सो हमने सोचा कि 11:30 बजे हम लोग वहाँ गए थे, हमने सोचा कि ले लेते हैं बट उस टाइम पे वो नहीं दे रहे थे। तो हम लोग 4 बजे जो है कुन्नूर में चढ़ेंगे, फिर ऊटी में उतरेंगे, हमारे भैया हमको फिर ऊटी से पिकअप कर लेंगे। तो 4 बजे अगर आपको जाना है तो 3:15 के आसपास जो है काउंटर खुलते हैं, तब यू कैन टेक। सो अभी हम लोग जो है डॉल्फिन नोज जा रहे हैं, दैट इज द अगेन क्या बोलते हैं व्यू पॉइंट ही है जैसे हमने बाकी देखे। सो ऊटी इज बेसिकली ऑल अबाउट लेक्स एंड व्यू पॉइंट्स। फाइनली हम लोग डॉल्फिन नोज पधार चुके हैं। चारों तरफ जो है टी सिटी है, चाय मत पियो बोलने से ये पत्ते जो है चाय पिला के ही रहेंगे। क्लाउड शैडो ये पीछे आपको थोड़ी शैडो से दिख रही है, ऊपर जो क्लाउड है ऊपर जो दिख रहा है उसकी शैडो यहाँ पर पड़ रही है। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, धूप की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। हो गया कितना आया? 8 पीस। वो 2 पैकेट दे दो। चलो अम्मा पेमेंट हो गया, चेक कर लो। Okay.
डॉल्फिन नोज हम लोगों ने देख लिया है, अच्छा लगा। कंपैरेटिवली यहाँ पे थोड़ी सी धूप थी, मतलब ऐसा नहीं कि गर्मी है, बट क्योंकि धूप की वजह से थोड़ा थोड़ा सा पसीना आया था, बट उसका गर्मी नहीं लगी। सो व्यू पॉइंट भी अच्छा था, वहां से दूर से एक वाटरफॉल भी गिर रहा था, वो भी मैंने कैप्चर करने की कोशिश की। एंड नाउ रास्ते में यहाँ पे लैम्स रॉक पड़ता है, दैट इज ऑल्सो सिमिलर टू दिस। वहां पे थोड़ा सा बोल रहे थे भैया कि कुछ फॉरेस्ट टाइप का है, एंड अदर देन दैट ये चारों तरफ पूरा टी स्टेट ही है। तो जो टी स्टेट में जो कुछ ड्रेस वेस पहन के लोग फोटो खिंचाते हैं ना, वो कहीं लटकी हुई दिख रही थी। मैंने बोला भैया कहीं वो दिखता है तो वहां पे रुकना, टी स्टेट में थोड़ा घुस के ना वहां पे फोटोज खिंचाएंगे थोड़े से। लैम्स रॉन्ग भी जो है व्यू पॉइंट है, वहां पे बहुत ज्यादा रोड ब्लॉक है हमारी, तो हम लोग वहाँ नहीं गए, वहां से अपना रिवर्स ले लिया अभी, क्योंकि वहां पे फिर 1 किलोमीटर तक कम से कम जाम लगा हुआ है। सो हमने बोला वेस्ट है करके, एंड बच्चों को भूख लग रही थी, सो वी हैव कम टू दिस फूड ऑन ट्रक रेस्टोरेंट। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, दिस इज अ ट्रक एंड इट्स अ रेस्टोरेंट टू। सो चलिए अंदर चलते हैं। सारा कुछ हो गया, अभी हम सीधा जो है कुनूर रेलवे स्टेशन जाने वाले हैं, और वहां से ट्रॉय ट्रेन चढ़ेंगे, होपफुली मिल जाए हम लोग को। 4 बजे की ट्रेन है, फिलहाल जो है 2:15 कुछ हो रहा है, सो टाइमली पहुंच जाएंगे। एंड यहां पे बहुत ज्यादा ग्रीनरी है, पर्पल कलर का पेड़ है, कितना खूबसूरत लग रहा है, ग्रीनरी काफी अच्छी है। सो चारों तरफ ग्रीनरी काफी अच्छी है, क्लाइमेट भी अच्छा है, एंड जो टी स्टेट है वहां पे भी थोड़ा सा फोटो शूट होगा। ऊपर नीचे बहुत ही जो है पूरा घाट रोड टाइप है ये सारे, जो भी इंडिया में मैक्सिमम जो भी टूरिस्ट प्लेस होते हैं ज्यादातर जो है घाट रोड ही रहती है। वहाँ पे ये जो अभी भी ट्रैफिक जैम हुआ है हमारा, देखो। एंड ऊटी आ रहे हो तो ट्रैफिक जैम के लिए तो सबसे पहले प्रिपेयर हो जाओ, बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम है। आप 10 मिनट का रास्ता होगा, ट्रैफिक जैम ऐसा होगा कि आपको घंटा 1.5 घंटा लग जाएगा। हम जिस दिन से आए हैं वो फेस कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे जो रोड्स है एक्चुअली एक कार जाने की जगह है, लेकिन वहाँ पे 2-2 कार जा रही है, एंड पूरा ट्रैफिक जाम जो है बुरी तरह हो रहा है। इस वाले ट्रैफिक में जो है ड्राइविंग के टाइम पे अगर ऑटोमेटिक गाड़ी हो तब तो ड्राइविंग करना आसान है, लेकिन मैनुअल में जो है बार बार गियर बदल बदल के फर्स्ट 2 गियर में डाल के गाड़ी चलाना बहुत महाभारत है ना भैया, गियर बदल बदल के ड्राइविंग करना मुश्किल है। ऑटोमेटिक गाड़ी ले लो आप भी, एक यही इंटरेस्ट है। अच्छा, हमारे भैया को जो है गियर वाला ही पसंद है। सो एक जो है ट्रेन अभी चली गई है कुन्नू टू मेट्टुपालम वाली, एंड हमको अभी कुन्नू टू ऊटी वाली ट्रेन पकड़नी है, जिसकी जो है टिकट्स अभी तक उन्होंने देना स्टार्ट नहीं किया है। 4 बजे स्टार्ट होनी है ट्रेन, और अभी ऑलरेडी 3:30 क्रॉस हो चुके हैं, टिकट देना अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। लाइन में खड़े खड़े थक चुके हैं, मतलब अभी ये खड़े, सुबह मैं खड़ी थी, अभी ये खड़े। तो अभी ये टिकट ले रहे हैं, फर्स्ट क्लास का जो है पर हेड 290 है, और एक बंदा अगर काउंटर पे जाता है तो उसको 4 टिकट से ज्यादा देंगे नहीं, एंड वहाँ पे हो रहे थे 1160 रुपीज, तो चेंज नहीं था, वहाँ पे चेंज का भी दिक्कत है। जबरदस्ती एक और जो है चॉकलेट बॉक्स लेता, इससे पहले भी चॉकलेट फैक्ट्री में खरीदे था, अभी ये दोबारा खरीदे हैं चॉकलेट। चॉकलेट तो टेस्टी है, बट होममेड चॉकलेट बोलिए कॉस्टली भी वहाँ पे। सो फाइनली हम लोग को टिकट्स मिल चुकी है, क्योंकि टिकट्स भी ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी, मिलेगा कि नहीं मिलेगा ऐसे धक 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 हो रहा था, क्योंकि 1.5 घंटे से कम लाइन में वेट कर रहे थे, फाइनली मिल गया, धूप में जल के काले हो गए।
आज हम रूम में थोड़ा जल्दी आ गए. आज हमने जो है डॉल्फिन नोज कवर किया एंड उसके बाद रास्ते में लैम्स रॉक कवर किया एंड इट इज ऑल सिमिलर बिकॉज टी गार्डन एंड ये सब कुछ सेम है, नाम बस थोड़े थोड़े अलग दे रखे. एंड उसके बाद फाइनली वी गॉट द ट्रेन. फॉर्चुनेट अबाउट इट बिकॉज वी आर नॉट होपिंग कि टिकट्स मिलेगी. हमारे लेने के बाद ही पीछे से टिकट नहीं दिखा, खत्म हो गई थी. सो लास्ट 4 टिकट्स वर आर्स एंड टॉय ट्रेन में चढ़े. रेगुलर ट्रेन में जैसा एक्सपीरियंस रहता है वैसा ही है. एंड इवन ये जो वाली टॉय ट्रेन है वो और भी थोड़ा धीरे धीरे चलती है. चढ़ने के बाद थोड़ी देर अच्छा लगा क्योंकि उसमें से टी गार्डन एंड ये जो ग्रीनरी है जनरली आप ट्रेन में नॉर्मल भी ट्रेवल करोगे तो दिखेगा. वहां टिकट लेने से पहले एक्चुअली ऊटी आने से पहले भी वो थिंकिंग कि कैसे भी हम लोग ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं तो लेट्स स्किप द टॉय ट्रेन. बट फाइनली हमने सोचा चलो यहाँ पे ऊटी इज ऑल अबाउट ग्रीनरी तो चलो एक उसका भी टूर मार लेते हैं. एंड वहां पे होने के बाद आज हम रूम पे आ चुके एंड यहाँ चाय पीने के लिए नीचे आए हैं. एंड उसके साथ वी हैव ऑर्डर्ड पनीर पकौड़ा. एंड आपको मैंने अभी इस टाइम पे पूरा जो रेस्टोरेंट है खाली है जो ये अदरवाइज पूरा टाइम पैक रहता है, अभी पूरा खाली है एंड बहुत ही नीट एंड क्लीन है. जब भी हम सुबह ब्रेकफास्ट के लिए आ रहे हैं तो पूरा हॉच पॉच मचा रहता है, सारे टेबल्स बिजी ऐसा रहता है. सो अभी फ्री है सो अभी इत्मीनान से बैठे हम लोग. एंड कल सुबह जो है हम लोग कोयम्बतूर के लिए निकल जाएंगे. एंड उसके बाद कोयम्बतूर में एक दिन के लिए रूम लिया है हमने, वहाँ पे चेक इन करके कोयम्बतूर जो भी है वो थोड़ा बहुत घूमेंगे. एंड उसके बाद विल बी एट कोयम्बतूर रेलवे स्टेशन देन बैक टू विजयवाड़ा.